नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक तरफ जनपद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने से गरीबों के आशियाने पानी में बह गए, वहीं शासन के आदेश पर आयरन लेडी SDM दीपाली भार्गव बाढ़ क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर अपने हाथों से राहत सामग्री बांटते हुए सावधानी बरतने की अपील भी कर रही हैं। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र गाँव का है, जहाँ यमुना का जल स्तर बढ़ने से लगातार पानी का जल भराव घरों में लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं शासन के आदेश पर आयरन लेडी SDM भोगनीपुर दीपाली भार्गव अपने कर्मचारियों के साथ बाढ़ क्षेत्र से परेशान ट्योंगा गांव का निरीक्षण करते हुए गरीबों को अपने हाथों से राहत सामग्री बांटने में लगी हुई हैं। वहीं महिला SDM द्वारा इस तत्परता के साथ बांटी जा रही राहत सामग्री पाकर ट्योंगा गांव की महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं दूसरी ओर राहत सामग्री देते हुए उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वह अपने बच्चों को लेकर सावधान रहें, पूरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसी विषम परिस्थितियों में सावधान रहें व अपने बचाव करें। आप लगातार इन वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से दीपाली भार्गव, जो कि आयरन लेडी के नाम से भोगनीपुर क्षेत्र में जानी जाती हैं, उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों को किस तरीके से अपने हाथों से राशन दिया जा रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप